Hello everyone, I hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture, and in this lecture we are going to talk about sexual reproduction in flowering plants. This chapter is taken from NCERT class 12 unit 1, and in this chapter we are going to talk about ovule, that is megasporangium. इस टॉपिक पे इस लेक्चर में आप ओव्यूल पे बात करेंगे. ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज बेसिकली द मेगा स्पोरेंजियम जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है और इस फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट बनता है. ठीक है, तो चलिए अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल किस पर अराइज होगा? सो देखो, इट अराइजेज ऑन द प्लेसेंटा. आप डायग्राम में देखें, ये प्लेसेंटा पर जब अराइज होगा तो प्लेसेंटा इस स्ट्रक्चर से कनेक्टिविटी कौन बना रहे? दैट इज डन बाय द फ्यूनिकल, राइट? सो इट अराइजेज ऑन द प्लेसेंटा एंड इज अटैच्ड टू इट एंड इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, राइट? विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल. अब आप इसको फ्यूनिकल भी कह सकते हैं, आप इसको फ्यूनिक्यूलिस भी कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूनिक्यूलिस. ऑल राइट, अब आप देखो, फ्यूनिकल इस ओव्यूल से जहाँ से अटैच्ड है, इस पॉइंट को आप कहोगे हाइलम. सो व्हाट इज दिस पॉइंट नोन एज? एज यू कैन सी, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है हाइलम. ऑलराइट, तो देखें हाइलम क्या है. नेक्स्ट देयर इज हाइलम. सो द जंक्शन बिटवीन, इट इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल, बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल इज हाइलम, राइट? अब आप देखो, ये एक स्कार की तरह आपको सीड पे देखने को मिलेगा. ये आपको रेड बीन में, राजमा में भी देखने को मिलता है. आपको एक व्हाइट कलर का स्कार देखने को मिलता है, दैट इज द हाइलम. अब आगे देखें, अब यहाँ पर जो फ्यूनिकल है, किस तरीके से ये अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ हाइलम, यू नो. अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ओव्यूल का, ये कैसे होगा? सो अब देखो, जो प्राइमोर्डियम है, प्राइमोडियम यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अर्लीएस्ट स्टेज में जो डेवलपमेंट इसका होता है, तो प्राइमोडियम ग्रोज इनटू, यानी कि कुछ सेल्स जो है, दे ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल्स फॉर्मिंग द न्यूक्लियस, राइट? फॉर्मिंग द न्यूक्लियस, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, फॉर्मिंग द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? सो न्यूक्लियस है बच्चों, इट इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, बॉडी ऑफ द ओव्यूल. अब इसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? इंटेग्यूमेंट्स चाहिए, करेक्ट? आप देखो, ये रहा आपका ओव्यूल का इनर पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियस. अब इसको कवर करने के लिए आपको चाहिए इंटेग्यूमेंट्स, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट. सो देखें, now there will be covering. Now nucellus is surrounded by, so this nucellus is surrounded by inner and outer integument, by inner and outer इंटेग्यूमेंट्स. अब ये जो इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट्स है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट है. अच्छा, ये पूरा कवर नहीं करते, सिर्फ एक पार्ट को छोड़ देते हैं, जैसे आप कहोगे माइक्रोपाइल. आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, राइट? एक्सेप्ट एट माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल क्या है? इट इज अ स्मॉल ओपनिंग. एक्सेप्ट एट माइक्रोपाइल, दिस इज एक्चुअली अ स्मॉल ओपनिंग. यहाँ से एक ओपनिंग है जिसे आपने माइक्रोपाइल कहा, क्योंकि यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स कवरिंग नहीं कर रहे. आगे देखें, नाउ द बेस पार्ट ऑफ द ओव्यूल माइक्रोपाइल का जस्ट ऑपोजिट इज नोन एज चैलिजा, और ये है बेस ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, तो आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज दैट
The basal part of the ovule is basal part of the ovule is chalaza. अब ये chalaza कहाँ है? Just opposite to the micropyle. That lies just opposite, just 180 degree, just opposite to micropyle, right? Micropyle के just opposite के present होता है. Now, अब जो nucellus के cells हैं, they are rich in reserve food material. So cells of nucellus are rich in reserve food material. They are rich in reserve food materials. अब reserve food materials present है तो developing embryo sac को nutrition provide करना है. Now next point देखें that the cells are generally a single embryo sac. There is generally a single embryo sac. आप इसको female gametophyte भी कहते हो. It is also known as female gametophyte, right? Female gametophyte, which is located in the nucleus, located in the nucleus, and ये किस में develop होगा? It has developed from a megaspore, which is developed from the megaspore. आप देखो in this diagram, as you can see, ये है अपना ovule. This is the placenta which is attached with the help of funicle. Attachment है at the point of hilum. यहाँ पर present है आपका nucellus, right? अब ये जो nucellus है, इस nucellus के अंदर present है female gametophyte. अब ये जो gametophyte है, ये megaspore से बना है. इस न्यूसिलस को कवर करने का काम ये इनर इंटेग्यूमेंट, इसके बाहर है आउटर इंटेग्यूमेंट, और जहाँ पर ये कवरिंग नहीं है, इस रीजन को बोला माइक्रोपाइल. इसके जस्ट ऑपोजिट प्रेजेंट है चालिजा. तो दिस इज व्हाट योर ओव्यूल इज, जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन.